Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. Hopefully आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे खैरियत से होंगे. तो जो आज नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो बेसिकली आप लोगों के लिए है. जो भी स्टूडेंट जर्मनी आना चाह रहे हैं और उनको ये लगता है कि हम लोग अपनी फैमिली से मुराद लाइक अपने बच्चों को बीवी को अगर आप मैरिड हैं उनको लेके आ सकते हैं जर्मनी ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा. मतलब आप स्टूडेंट स्टेटस है आपका और इनिशियली आप जर्मनी आ रहे हैं और आपको ये है कि हम लोग अपनी वाइफ को अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं या फिर आप शादी प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने के बाद. तो ये जर्मनी जो है वो क्या रूल्स रखती है और क्या सिचुएशन होती है, किस तरह आप लोग लेके आ सकते हैं या नहीं, अलाउ करते हैं या नहीं करते इधर की गवर्नमेंट, तो ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा. तो बेसिकली स्टार्ट करता हूं कि अगर तो आप स्टूडेंट स्टेटस में और जर्मनी आते हैं तो इनिशियली तो आप बिल्कुल साथ, मतलब ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल अपने साथ ही लेके आ सकें उन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि इधर आते एक पूरा प्रोसीजर होता है. तो मेरा उन सब लोगों से एक सजेशन मैं आप लोगों को देता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और वो ऑलरेडी मैरिड उनकी शादी हुई हुई है, तो सबसे पहले वो ये करें कि जब आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है तो यहाँ से पाकिस्तान से जाने से पहले या फिर जिस भी कंट्री में आप लोग हैं वहाँ जाने से पहले पहले आप अपना जो है वो फैमिली रियूनियन, इसका नाम होता है फैमिली रियूनियन वीज़ा, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई करें. ठीक है, आप इधर की एप्लीकेशन और मतलब जर्मनी आने से पहले पहले आप वो एप्लीकेशन और वो अपॉइंटमेंट के लिए आप वहाँ अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप इधर आके अप्लाई करेंगे और आप एक साल मज़ीद वेट करेंगे अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि इधर आके बंदा काफ़ी फंस जाता है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है. ठीक है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए जहाँ भी मर्जी आप जिस भी कंट्री में उसकी एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, उसमें तरीका सिंपल यही होता है कि आपको आपकी वाइफ का जो है पासपोर्ट चाहिए होता है और उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, नंबर वगैरह देते हैं और एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अप्लाई करते हैं. तो अभी बेसिकली मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ और उसमें आपको ये है अंदाज़ा हो जाएगा काफ़ी हद तक कि किस तरह ये चीज़ें लेके चलनी है आपने. देखें, सिंपल बात है, स्टूडेंट स्टेटस में यहाँ के दो तरह के रूल है. अगर तो आप मैरिड हैं, ठीक है, और आपको आप मैरिड पहले जर्मनी आने से पहले आपकी शादी हुई भी है तो आपके लिए इजी है, कोई इतना इशू नहीं है. कुछ रूल्स इस तरह के हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके इजीली जो है वो आपको आप वाइफ को अपनी बुला सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स के साथ. दूसरे कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, जिनने कुछ सिचुएशंस मैंने इधर देखी हैं इस तरह की, कि जिनकी शादी जर्मनी आने के बाद हुई है, ठीक है, वो जर्मनी आ गए हैं, पाकिस्तान में शादी उनकी हुई है, मतलब एक साल बाद या दो साल बाद हुई है या जिस भी मुल्क में हैं वो उधर उनकी शादी हुई है, तो यहाँ की गवर्नमेंट कुछ रूल्स मैंने सुना है ये कुछ अपने दोस्तों से कि वो बोलते हैं कि आपको जर्मनी आने के पहले ही आपकी शादी हुई होनी चाहिए. मतलब उसके आने के बाद होगी तो आपका वीज़ा के रेशोज़ कम हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें. लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी लोग हैं जिनके वीज़े अगर जर्मनी आने के बाद भी उनकी शादी हुई है तो उनके वीज़े लग गए हैं, उनकी फैमिलीज पूरी आई हैं. मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जिनकी जो अभी तक स्टूडेंट स्टेटस में हैं उनकी फैमिलीज आई हैं, चार चार बच्चों के साथ वो लोग इधर आ चुके हैं. ठीक है, तो मतलब आप लोगों को पहले इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें आपने परेशान नहीं होना. आप अगर अभी जर्मनी आने का प्लान बना रहे हैं और आपको आपकी शादी हुई भी है या आप प्लान कर रहे हैं शादी करने का या आप निकाह करना चाह रहे हैं, जो मर्ज़ी आपका आपकी सिनेरियो है, तो आप अपनी वाइफ का अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी में अभी से ले लें. ठीक है, क्योंकि तकरीबन जो ड्यूरेशन है वो एक साल से ऊपर तो अपॉइंटमेंट आने में लग जाती है. एम्बेसी की बात करूँ मैं आपको, इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, एक साल से ऊपर आपको इतना टाइम लग जाता है सिर्फ अपॉइंटमेंट आने में. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जमा करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और एम्बेसी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है और क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है और किस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. तो इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ज़्यादा ड्रैग नहीं कर रहा, लेकिन मेरे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का तो अभी से अपॉइंटमेंट ले लें. कॉन्सुलेट में ये होता है, कॉन्सुलेट में आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि जो कॉन्सुलेट है, जैसे अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में कॉन्सुलेट है तो जो सिंध के लोग ज़्यादातर
वो आते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस्लामाबाद की इस एम्बेसी है उसमें सारे पंजाब से, पेशावर से, केपी के सारे लोग उधर से आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी कंट्री में भी अगर इस तरह का हिसाब है तो हो सकता है जो इस्लामाबाद जो एम्बेसीज हैं वो बेसिकली टाइम टेकन जो ना उनका ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, एक साल से तो ऊपर लगता ही लगता है। खैर, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि आपके पास दूसरा सेकेंड ऑप्शन क्या है। मतलब अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है और आपको लग रहा है कि ये जो ऑप्शन है स्पाउस वीज़ा पे, ये फैमिली रियूनियन वीज़ा, ये बहुत टाइम टेकन है, तो मैं आपको दूसरा सिनेरियो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो दूसरा सिनेरियो क्या है जिसमें आप बुला सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों ऑप्शन में से आप क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा ब्लॉक्ड अमाउंट कितनी लगती है और आपको क्या क्या जो है आपके प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा और इसमें मैं आपको सारा उस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर लाजमी मुझे जो है वो कमेंट करें, आप पूछें जो भी आपकी क्वेरी है, मैं जितनी भी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye.